माय नैनी चाइल्ड केयर्स। कैसे बच्चों, नवरात्रि का सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? नवरात्रि खेल रहे हैं, मजा आ रहा है ना? हाँ, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ नवरात्रि एंजॉय कीजिए। और हमने आपको एक पापा के लिए एक नया ही कॉम्पिटिशन रखा था, जिसके साथ साथ आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना था। कोई बात नहीं, चलिए नवरात्रि आप सेलिब्रेट करिए और उसका मजा लीजिए। साथ साथ हम थोड़ा सा लेसन भी करेंगे। तो जो आज हम इंग्लिश में करने जा रहे हैं, लेटर, कैपिटल लेटर IJKL, ये हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर रहे हैं ताकि आप इस लेटर के फॉर्मेशन परफेक्टली 4 लाइन में लिख सकें। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग IJKL जो लेटर लिखेंगे उससे रिलेटेड पिक्स है। I for आइसक्रीम, J for जॉब, K for काइट एंड L for लिफ्ट। चलिए फिर से एक बार देखते हैं कि 4 लाइन की नोटबुक में हमें इसे किस तरह से लिखना है। आई फॉर आइसक्रीम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ऊपर रेड लाइन से टच करते हुए स्लिपिंग लाइन और नीचे ब्लू लाइन में एक स्लिपिंग लाइन। आई फॉर आइसक्रीम, जे लिखने के लिए हम फिर से एक बार रेड लाइन सेकेंड ब्लू लाइन स्टैंडिंग लाइन का हल्का सा कर्व एंड स्लिपिंग लाइन। ओके, I for ice cream, J for job, J for joker, K for kite, once again one standing line, then touch red line to first blue line, slanting line and down, up to down, slanting line. Okay, K for kite and L for lion, standing line and slipping line. ये है ऊपर की 3 लाइन को टच किए हुए लेटर्स। Once again see, standing line, slipping line and slipping line. I for igloo, I for ice cream, I for ink pot, J for joker, J for jug, J for jam, J for jelly, K for kite, K for king, standing line. फिर यहाँ से हमें कट करते हुए यहाँ पर slanting line करना है, first blue line को touch करते हुए नीचे की blue line तक आना है, second blue line तक, और S for leaf, S for lion, standing line. बच्चों, ये प्रैक्टिस हमने टेक्सटबुक में भी किया हुआ है, आपने बहुत बार किया है, हमारे 3-3 पेजेस है, बट नोटबुक में इसका फॉर्मेशन 4 लाइन में परफेक्टली होने के लिए हम ये बार बार रिकैप करेंगे और आपको भी इसे रिकैप करते हुए आपके नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग लिखना है। ओके बच्चों।